नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल टेक सपोर्ट चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियल मी 2 के बारे में। अगर आप परचेस करने की सोच रहे हैं, क्योंकि रियल मी 2 की सेल आने वाली है, अगर आप सोच रहे हैं परचेस करने की, तो भाई इस वीडियो को पूरा देख लेना, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको यहाँ पर। एक्चुअली मेरे कज़न ने मुझसे कहा था कि अच्छा फ़ोन बताइए 10,000 तक का, तो मैंने यूट्यूब पर सर्च करा, काफ़ी सारे फ़ोनों को और भी देखा, तो मुझे रियल मी 2 मिला। हालांकि इस फ़ोन के बारे में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता थी, लेकिन मैंने उससे नहीं बताया। मैंने कहा मैं सर्च करके बताऊंगा और देख के बताऊंगा कि आपको कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। अब भाई जब मैंने यूट्यूब को खोला ना, तो मुझे रियल मी 2 की बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिली, मतलब काफ़ी सारी ऐसी वीडियो देखने को मिली जिसमें ये साफ साफ दिखता है कि भाई रियल मी 2 आपको ले लेना चाहिए, 10,000 से नीचे ये सबसे अच्छा फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ वीडियो जो सजेशन में आती हैं वो भी मुझे देखने को मिली, और वहाँ पर जो मैंने देखा, मतलब कोई सेंस नहीं था उस चीज़ का, फिर भी वो वीडियो बना दी गई और वहाँ पर बताया गया कि भाई इस फ़ोन को आपको नहीं लेना चाहिए, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, धोखा दे दिया रियल मी 2 को, ऐसा नहीं करना चाहिए और आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। काफ़ी सारी वीडियो मुझे देखने को मिली, लेकिन मैंने कुछ जेन्युइन जो रिव्यू मुझे देखने को मिले, तो उसमें ये बताया गया कि आखिर जी फ़ोन आया क्यों था। एक्चुअली इसमें मैंने एक वीडियो और देखी थी जो CEO की थी रियल मी के, उन्होंने बताया था कि भाई जी फ़ोन आखिर आया क्यों था, क्यों हमने रियल मी के बाद, यानी कि रियल मी 1 कह सकते हैं, रियल मी 1 के बाद रियल मी 2 को लाए, और रियल मी 2 में क्यों हमने ये प्रोसेसर वगैरह जो कटौती करी है। काफ़ी सारे लोगों की बस यही प्रॉब्लम है कि उसमें जो प्रोसेसर दिया गया स्नैपड्रैगन 450, वहाँ पर उनको ये लगता है कि भाई पबजी वगैरह आप नहीं खेल पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देखिए, अगर आपको 8-9 हज़ार तक के फ़ोन में अगर पबजी खेलने की आप सोच रहे हो, तो ये तो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। पबजी उसमें चलेगा, ऐसा नहीं है कि पबजी उसमें नहीं चल रहा है, स्मूथ चले ना चले इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पबजी उसमें चल रहा है और काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा एक्सपीरियंस भी कराया। देखिए ये डिपेंड करता है कि मान के चलिए आप उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखते हो, बहुत सारे गेम उसमें इंस्टॉल करके रखते हो, उसके बाद पबजी गेम को इंस्टॉल करते हो और फिर प्ले करने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है वो लैग करें। लेकिन अगर आप एक फ्रेश फ़ोन में अगर पबजी खेलने की कोशिश करोगे, तो वहाँ पर वो चलेगा, थोड़ा बहुत लैग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोसेसर आपको 450 दिया गया है। अब भाई बात आती है रियल मी 1 के बारे में। रियल मी 1 में जो प्रोसेसर हमें देखने को मिला था, वो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर था, मीडिया टेक का हीलियो P60 प्रोसेसर बहुत अच्छा था, स्पीड बहुत अच्छी थी, आराम से आप सारे सारे जो गेम थे वो खेल सकते थे। लेकिन वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की ये डिमांड थी कि भाई इसमें नॉच नहीं है, इसमें फिंगरप्रिंट नहीं है, तो यहाँ पर कंपनी ने क्या करा कि उसी रेंज में उसको एक्चुअली देना था, उस रेंज में उसने क्या करा कि भाई स्नैपड्रैगन 450 को दिया और साथ ही नॉच दी उसमें, फिंगरप्रिंट दिया, HD डिस्प्ले दी, काफ़ी सारी चीज़ें और भी दी, बैटरी बैकअप को इतना बढ़ा दिया भाई, 4,000 से ऊपर की बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा इसमें रियल मी 2 में, ये बहुत अच्छी बात है। तो मुझे तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि भाई रियल मी 2 हमें नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप यूजर कौन से हो। अब मैंने अपने कज़न से पूछा कि आपको गेम वगैरह खेलने में इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कहा मैं नॉर्मल गेम खेलता हूँ, पबजी वगैरह तो बहुत दूर की बात है, लेकिन नॉर्मल गेम मैं खेलता हूँ, उसके साथ ही मुझे बस फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और साथ ही यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखनी है। तो मैंने कहा कि आप आँख बंद करके रियल मी 2 ले सकते हैं, अगर आप एक नॉर्मल गेम भी खेल रहे हो तब भी आपके लिए बहुत अच्छा ये फ़ोन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जो सोच रहे हैं भाई रियल मी 2 लेने की, तो आप आँख बंद करके ले सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आप सोच रहे हैं इसको परचेस करने की, तो आप आराम से परचेस कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ये वीडियो इसलिए बना जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सके, आप भी कुछ समझ सकें। तो बस यही वीडियो, आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना इस वीडियो को, जिससे कि फर्दर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।